माय डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्या प्रॉपर्टीज हैं। क्लास 12th के एक्सरसाइज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज 2.2 और उसके मिसलेनियस को कंप्लीट करने के लिए आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के प्रॉपर्टीज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर आप उन प्रॉपर्टीज को जान रहे तो सारे प्रॉब्लम्स को आप आसानी से बना सकते हैं। ओके बच्चों, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के प्रॉपर्टीज और उस पर बेस है हमारा एक्सरसाइज 2.2 और उसी का मिसलेनियस। ओके, 2.2 एंड मिसलेनियस को कंप्लीट करने के लिए हमको जानना है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्या प्रॉपर्टीज है, तो आइए फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू एक्स होगा। ये वैल्यू एक्स कब होगा, यदि एक्स हमारा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग्स करेगा। उसी प्रकार से कॉस इनवर्स कॉस एक्स का वैल्यू एक्स होगा, कंडीशन चेंज हो जाएगा, यहाँ एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to π। सिमिलरली tan inverse tan x इज इक्वल टू एक्स, कंडीशन चेंज होगा, एक्स बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। cot इनवर्स cot x इज इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 0 to π ओपन इंटरवल में। sec इनवर्स sec x इज इक्वल टू एक्स, हियर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to π माइनस, इसमें एक पॉइंट है π/2, उसको आउट कर देंगे क्योंकि इस पॉइंट पर sec x का वैल्यू sec π/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, sec π/2 को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos π/2 और cos π/2 जीरो होता है तो वह इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी होने की वजह से अनडिफाइन हो गया, इसलिए उस पॉइंट को हम लोग आउट कर देंगे। एंड cosec इनवर्स cosec x इज इक्वल टू x, जहां x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 और इन दोनों के बीच में एक पॉइंट है 0, जहां पर cosec x डिफाइन नहीं है, इन्फिनिटी हो जाएगा, तो उसको आउट कर दिए। इन सारे वैल्यूज को हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं। आपने जो फर्स्ट वीडियो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का देखा है उसमें बताया गया है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, या शॉर्टकट इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज, या हम लोग रेंज बोल सकते हैं किसका, साइन इनवर्स एक्स फंक्शन का। साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स टैन इनवर्स एक्स फंक्शन का जो प्रिंसिपल वैल्यू था, जिसको कि हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी बोलते हैं, वो आपका ये पुराने वीडियो में आपको बताया गया है। तो ये जितने भी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 1 में आपको दिखाया गया है, ये सारे तभी वैल्यूड है जब एक्स बिलोंग्स टू देयर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, यदि एक्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को बिलोंग्स करता है तो। अब यहां पर देखेंगे, अभी और भी कुछ प्रॉपर्टीज है उनमें आपको एक्स देखने को मिलेगा। यहां पर एक्स है क्या चीज, एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो x है ये x एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये x हमारे प्रिंसिपल एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जितने भी x है ये सारे के सारे प्रिंसिपल एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आइए हम लोग जब प्रॉपर्टी नंबर 2 में आते हैं, यहां पर भी कुछ मिलता जुलता उसी तरह का रिजल्ट है, लेकिन फर्क है साइन और ब्रैकेट में है साइन इनवर्स x, इसका वैल्यू भी x है, और पहला है साइन इनवर्स साइन x, इसका वैल्यू भी x है, लेकिन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। पहला में जो है आपका x है, यहां x प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को रिप्रेजेंट कर रहा है, या ये x एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है पहले वाले प्रॉपर्टी में, जबकि दूसरे वाले प्रॉपर्टी में ये जो x है ये हमारा रेस्ट्रिक्टेड डोमेन का एक पार्ट है। रेस्ट्रिक्टेड डोमेन साइन इनवर्स x को डिफाइन करने के लिए हमने क्या किया था, क्योंकि जनरली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन, तो उनके इनवर्स डिफाइन करने के लिए हमें 1-1 ऑन्टो फंक्शन चाहिए, और 1-1 ऑन्टो बनाने के लिए अर्थात बाइजेक्टिव बनाने के लिए हमने डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया था। तो उस रेस्ट्रिक्टेड डोमेन का एक वैल्यू है एक्स, तो यहां दोनों में देखिए, दोनों में वैल्यू देखने को आपको साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू एक्स, यहां पर साइन साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू एक्स, लेकिन दोनों में एक्स में फर्क है। पहले वाले में जो एक्स है वो प्रिंसिपल वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रिंसिपल एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि दूसरे में रेस्ट्रिक्टेड डोमेन का एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है,
उसी रेस्ट्रिक्टेड डोमेन के लिए हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफाइन किया है। अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होने की वजह से या मेनी वन फंक्शन होने की वजह से उनके इनवर्स फंक्शन डिफाइन होंगे ही नहीं, तो इसलिए दोनों एक्स में फर्क है, इसको हमको समझना है। आइए अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर टू में देखते हैं, साइन साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू एक्स, यहां पर एक्स कहां से कहां बिलोंग करना चाहिए, माइनस वन से वन। उसी प्रकार कॉस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, यहां भी एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल में माइनस वन टू वन। तीसरा में टैन टैन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, यहां एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। कॉट कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, यहां पर एक्स का वैल्यू बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। सेक सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, हियर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, माइनस उसमें से ओपन इंटरवल माइनस वन टू वन के बीच के जितने भी वैल्यू सारे वैल्यू को एक्सक्लूड कर दिया गया, निकाल दिया गया। लास्ट है कॉसेक कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, यहां भी एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, माइनस उसमें से ओपन इंटरवल माइनस वन टू वन के सारे वैल्यूज को आउट कर दिया गया। तो प्रॉपर्टी नंबर वन प्रॉपर्टी नंबर टू दोनों मिलता जुलता है, लेकिन दोनों में बहुत ही ज्यादा फर्क है, अब आप ये समझ गए। अब आइए हम लोग प्रॉपर्टी नंबर थ्री को देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर थ्री में है साइन इनवर्स वन बाई एक्स है, तो इसको हम लोग कॉसेक इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, और कॉसेक इनवर्स एक्स को डिफाइन करने के लिए यहां एक्स का वैल्यू कहां बिलोंग करना चाहिए, एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर माइनस ओपन इंटरवल में माइनस वन टू वन। उसी प्रकार से कॉस इनवर्स वन बाई एक्स का वैल्यू सेक इनवर्स एक्स लिखा जा सकता है, जब एक्स का वैल्यू बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर माइनस माइनस वन से वन ओपन इंटरवल। टेन इनवर्स वन बाई एक्स का दो दो वैल्यू आपको प्राप्त हो सकता है, पहला वैल्यू आपका कॉट इनवर्स एक्स, शर्त यह है कि ये जो एक्स है वो ग्रेटर देन जीरो हो, पॉजिटिव हो, अदरवाइज नहीं तो माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स, शर्त यह है कि एक्स निगेटिव हो, एक्स लेस देन जीरो हो। तो टेन इनवर्स वन बाई एक्स को दो तरह से लिखा जा सकता है, फर्क केवल एक्स के वैल्यूज पर है, एक्स के वैल्यूज कहां से कहां लिए गए। यदि एक्स पॉजिटिव है तब टेन इनवर्स वन बाई एक्स कॉट इनवर्स एक्स होगा, और यदि एक्स निगेटिव है तो टेन इनवर्स वन बाई एक्स माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स होगा। चौथा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टीज है, और बोर्ड एग्जाम में भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन प्रॉपर्टीज को आप याद रखेंगे तो क्वेश्चंस को आप बहुत ही कम समय में बना पाएंगे। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स को यदि ऐड किया जाए तो वैल्यू हमेशा पाई बाई टू आएगा, ये कॉन्स्टेंट फिक्स्ड वैल्यू है। यहां शर्त यही है कि एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल में माइनस वन टू वन। सिमिलरली टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू भी पाई बाई टू होगा, जहां एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, जहां एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, माइनस इसमें से माइनस वन से वन के बीच के जो भी वैल्यू है उसको सेट ऑफ रियल नंबर में से आउट कर दे। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी नंबर फोर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आ गया ये प्रॉपर्टी नंबर फाइव, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आपको काम आने वाली है। साइन इनवर्स ब्रैकेट में माइनस एक्स, इसका वैल्यू माइनस साइन इनवर्स एक्स होगा, कब, यदि एक्स का वैल्यू बिलोंग्स टू माइनस वन से वन क्लोज इंटरवल में हो तब। टेन इनवर्स माइनस एक्स का वैल्यू माइनस टेन इनवर्स एक्स होगा, जब एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स होगा, जब एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, माइनस ओपन इंटरवल में माइनस वन से वन। कॉस इनवर्स माइनस एक्स का वैल्यू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगा, जब एक्स का वैल्यू बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस वन से वन। कॉट इनवर्स माइनस एक्स का वैल्यू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होगा, जब एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। सेक इनवर्स माइनस एक्स का वैल्यू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होगा, जब एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, माइनस उसमें से आउट कर देंगे माइनस वन से वन के बीच के सारे जो वैल्यू से उनको आउट कर देंगे, ओपन इंटरवल में माइनस वन टू वन के बीच का सारा वैल्यू। ओके, तो ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर फाइव इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर सिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हर एक तरह के बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। क्या है भाई, टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई इज इक्वल टू है टैन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स वाई। लेकिन ये टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई
का वैल्यू यही तभी होगा जब नीचे वाला डिनोमिनेटर 1 माइनस एक्स वाई क्या हो ग्रेटर देन 0। ये शर्त होना बहुत जरूरी है। यदि ये नेगेटिव होगा तो ये वैल्यू चेंज कर जाएगा, ये वैल्यू नहीं होगा। तो हमारे सिलेबस में केवल पॉजिटिव केस के लिए पढ़ना है, इसलिए हम लोग केवल पॉजिटिव केस को यहां लिखे हैं 1 माइनस एक्स वाई ग्रेटर देन 0। इसी एक्स वाई को आप राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे अथवा बोल सकते हैं दैट इज एक्स वाई का वैल्यू लेस देन 1 हो। यदि एक्स वाई दोनों का प्रोडक्ट का वैल्यू 1 से छोटा हो तब ये आप टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। उसी प्रकार से इन दोनों के बीच में माइनस हो तब टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई। अगेन यहां पर शर्त है कि 1 प्लस एक्स वाई ग्रेटर देन 0 हो, अर्थात यहां बोल सकते हैं एक्स वाई 1 को उधर भेज दिया हम लोग या माइनस 1 दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर लिए, एक्स वाई ग्रेटर देन माइनस 1 होगा तभी ये फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे। यदि 1 प्लस एक्स वाई लेस देन 0 हो तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। आप इन शर्तों को जरूर ध्यान में रखेंगे, इन रेस्ट्रिक्टेड शर्तों के लिए ये फॉर्मूले बनाए गए हैं। अगर आप शर्त बदलेंगे तो फॉर्मूला में चेंजेस आएगा। आखिरी प्रॉपर्टी है 2 tan inverse x के 3 फॉर्मूला हो सकता है। साइन इनवर्स के टर्म में साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। शर्त ये कि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 से 1 या 2 tan inverse x इक्वल टू उसका फॉर्मूला कॉस इनवर्स के टर्म में कॉस इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। शर्त ये कि x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। और आखिरी 2 tan inverse x का tan इनवर्स के टर्म में 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों का रेशियो एक तरह से टेन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां शर्त कि x बिलोंग्स टू -1 से 1। यदि शर्त बदलेंगे तो फॉर्मूला में चेंजेस आएंगे। तो हमको हमारे जो सिलेबस है उन सिलेबस में इतना ही प्रॉपर्टीज है और इन्हीं कंडीशंस के लिए सारे सवाल पूछे जाएंगे। कंडीशंस को चेंज करेंगे तो हमारे फॉर्मूला चेंज आएगा। आइए बच्चों अब हम लोग इन सारे प्रॉपर्टीज के आधार पर एक्सरसाइज 2.2 एंड इसी के मिसलेनियस को अब हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके आइए अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 15 को बनाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 15 को 2016 जैक बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है और क्वेश्चन नंबर 12 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो अभी आप देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन 4 मार्क्स आप आसानी से इन प्रॉपर्टीज के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत बार सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा जा चुका है और अदर बोर्ड्स में भी। आइए क्वेश्चन क्या है, हमको दिया हुआ है कि टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू पाई बाई 4। ये दिया हुआ है तो ये जो दिया गया वैल्यू है इससे हमको एक्स का वैल्यू पता लगाना है। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये जब यदि ऐसा दिया हुआ हो तो उस समय एक्स के क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है वो सब वैल्यू हमको निकालना है। आइए बच्चों अभी टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई हमारे सिलेबस में जो फॉर्मूला है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो एक्स के जगह पर ये वैल्यू लिख दी एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 और वाई के जगह पर लिख दी एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2। ये वैल्यू को लिख दिया गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, यहां टेन इनवर्स है दोनों तरफ टेन लगा दीजिए तो टेन लगाएगा तो टेन टेन इनवर्स ये आइडेंटिटी फंक्शन इस पर लगेगा तो ये एज इट इज वैल्यू रह गया और इधर हो गया टेन पाई बाय फोर का वैल्यू होता है 1। अब इसको सॉल्व करना है तो x माइनस 2 x प्लस 2 का एलसीएम ले लिए दोनों का प्रोडक्ट भी x प्लस 2 x माइनस 1 में मल्टीप्लाई हो गया x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 फिर प्लस ये x प्लस 1 में x माइनस 2 मल्टीप्लाई हो गया और डिनोमिनेटर हो गया x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 नीचे में भी x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इसका एलसीएम हो गया और ये दोनों का प्रोडक्ट x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 1 में यहां मल्टीप्लाई हो गया माइनस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया और हम दोनों तरफ टेन लगा दिए थे तो ये टेन पाई बाय 4 का वैल्यू हमारा हो गया 1। अब ऊपर में सॉल्व कीजिए ये x से मल्टीप्लाई हो गया पूरा x प्लस 2 में देन माइनस 1 मल्टीप्लाई हो गया x प्लस 2 में फिर प्लस x मल्टीप्लाई हुआ पूरा x माइनस 2 में फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई हुआ x माइनस 2 में डिवाइडेड बाई a माइनस b इंटू a प्लस b फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अर्थात x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस फिर से सेम फॉर्मूला a माइनस b इंटू a प्लस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो माइनस ब्रैकेट में हो गया एक्स स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पाई बाय 4 का वैल्यू 1 लीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए x से मल्टीप्लाई कीजिए x स्क्वायर प्लस 2x
एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स आ गया, फिर नेक्स्ट मल्टीप्लाई किया माइनस वन से माइनस एक्स माइनस टू, तो माइनस एक्स माइनस टू, फिर नेक्स्ट मल्टीप्लाई कीजिए एक्स स्क्वायर और माइनस टू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, और आखिरी में वन से मल्टीप्लाई कीजिए तो एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस फोर, फिर माइनस और इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस वन इज इक्वल टू इधर वन दिया हुआ है। तो देखिए यहां प्लस टू एक्स और ये माइनस टू एक्स मिलकर जीरो हो गया, माइनस एक्स प्लस एक्स मिलकर हो गया जीरो। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया टू एक्स स्क्वायर, माइनस टू हो गया माइनस फोर, डिवाइडेड बाय माइनस फोर प्लस वन हो गया माइनस थ्री इज इक्वल टू आ गया वन। वन में माइनस थ्री मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस थ्री, माइनस फोर को राइट हैंड साइड में भेज दिए तो फोर माइनस थ्री हो गया वन, टू यहां मल्टीप्लाई में है डिविजन उधर राइट हैंड साइड में चला गया तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन बाई टू, तो एक्स का यहां से वैल्यू आ गया प्लस माइनस वन बाई रूट टू, दोनों वैल्यू आ गया। इसको और हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो रूट टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए तो प्लस माइनस रूट टू बाई टू, रूट टू का वैल्यू 1.414 डिवाइडेड बाई टू, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गया प्लस माइनस 0.707। ये वैल्यू क्यों लिए उसका रीजन समझ लें। सीबीएसई बोर्ड्स में और जैक बोर्ड्स में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछे गए इसी तरह के, और इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं कि जो आंसर आ गया उसी आंसर को लिखकर वो छोड़ देते हैं। लेकिन कभी कभी सीबीएसई बोर्ड्स में देखा गया या अदर बोर्ड्स में देखा गया कि इनमें से दो में से एक आंसर होता है दूसरा नहीं भी होता है, ऐसा भी क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो अब इन आंसर को आपको चेक करना होगा कि ये आंसर जो हमारे दिए गए कंडीशन है उनको फुलफिल कर रहे हैं या नहीं। तो एक्स का वैल्यू हमारा क्या है प्लस में 0.707, अगर 0.707 में से वन माइनस करेंगे तो ये आएगा निगेटिव, और फिर यहां माइनस टू करेंगे 0.707 में से ये भी निगेटिव, निगेटिव निगेटिव वैल्यू डिवाइड होकर ये हो जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ एक्स का वैल्यू 0.707 लिखेंगे उसमें वन जोड़ेंगे पॉजिटिव वैल्यू रहेगा, नीचे में भी पॉजिटिव वैल्यू का रेशियो पॉजिटिव रहेगा, दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, फिर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई करेंगे हमको पॉजिटिव वैल्यू 5/4 प्राप्त हो जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यदि हम लोग निगेटिव -0.707 लेते हैं तो पहले ऊपर में न्यूमरेटर भी निगेटिव आ जाएगा डिनोमिनेटर भी निगेटिव, निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो गया पॉजिटिव आ जाएगा, यहां माइनस लेते हैं तो ऊपर में भी पॉजिटिव नीचे में भी पॉजिटिव अगेन ये पॉजिटिव, दो वैल्यू पॉजिटिव उन पॉजिटिव का सम हम लोग निकालेंगे तो 5/4 पॉजिटिव हमको प्राप्त हो जाएगा। अर्थात यहां दोनों आंसर सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन में आप बिना चेक किए हुए भी आंसर लिख दिए तो आपको मार्क्स तो मिल जाएंगे, लेकिन आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में कुछ क्वेश्चन है जिसमें आप बिना चेक किए दोनों आंसर लिख देते हैं तो आपको कुछ मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि एक आंसर सेटिस्फाई करता है और दूसरा सेटिस्फाई नहीं करता है। हियर बोथ द वैल्यूज ऑफ एक्स प्लस माइनस वन बाई रूट टू सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, हेंस रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ एक्स आर, एक्स के जो मांगे गए वैल्यूज है वो हो गया प्लस माइनस वन बाई रूट टू। इस तरह से आप चार मार्क्स का क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। 2016 में इसको कंपार्टमेंटल एग्जाम जैक बोर्ड में ऑलरेडी इसको पूछा जा चुका है, सीबीएसई में भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं। आइए बच्चों इसी एक्सरसाइज टू के हम लोग मिसलेनियस का क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। आज इस क्वेश्चन नंबर 11 को मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 11 को 2017 के एनुअल एग्जाम में जैक बोर्ड में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 12 में 4 मार्क्स में। तो आप अगेन देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या है और आसानी से 4 मार्क्स कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है टेन इनवर्स रूट अंडर में 1+x माइनस रूट अंडर 1-x डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1+x प्लस रूट अंडर 1-x, ऐसा वैल्यू लिखा हुआ है। और इसको हमको सिंप्लीफाई करके दिखाना है लेफ्ट हैंड साइड को, ये हमारा 5/4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स के बराबर होगा, इसको साबित करना है। तो यहां पर हम लोग क्लास 11 का फॉर्मूला हम जानते हैं, 1+cos2θ का फॉर्मूला है, 1-cos2θ का फॉर्मूला है, इसलिए यहां एज्यूम कर लेंगे मान लेंगे लेट एक्स बराबर cos2θ, तो इसे हम लोग 2θ बराबर लिख सकते हैं cos इनवर्स एक्स, इससे थीटा का वैल्यू हो गया हाफ cos इनवर्स एक्स, और ये हाफ cos इनवर्स एक्स आंसर का हमारा एक पार्ट है, इसलिए हम लोगों ने ऐसा माना एक्स बराबर cos2θ, जिससे थीटा हमको प्राप्त हो गया हाफ cos इनवर्स एक्स, आंसर से मिलता जुलता एक पार्ट हमको प्राप्त हुआ है। अब आइए इसमें टेन इनवर्स, आप एक्स की जगह 1+cos2θ रख दिए तो आपको फायदा क्या हुआ, 1+cos2θ क्लास 11th में फॉर्मूला है 2cos²θ, और 1-cos2θ फॉर्मूला है 2sin²θ, तो ये वैल्यूज को आप लिख दिए अंडर रूट में, ये वैल्यूज हैं टेन इनवर्स के साथ।
अब ऊपर में न्यूमरेटर में रूट टू कॉमन निकाल दिए तो आपका बच गया कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा। डिनोमिनेटर में भी रूट टू कॉमन निकालिए तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बच गया। ऊपर और नीचे रूट टू मल्टीप्लीकेशन में कैंसिल हो गया तो आपके पास आ गया टेन इनवर्स। अब न्यूमरेटर में से भी कॉस थीटा कॉमन निकाल लीजिए तो यहाँ वन आ जाएगा, माइनस यहाँ नहीं है तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा हो जाएगा ताकि कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो, ये वैल्यू प्राप्त हो जाए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। नीचे से भी कॉस थीटा निकाल लिए, वन प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। क्यों ऐसा किए, वो इसलिए किए कि अंदर में चूंकि टेन इनवर्स है तो अंदर के सारे वैल्यूज को हम टेन के टर्म में कन्वर्ट करें तो साइन थीटा जहां था वहां कॉस थीटा कैसे बनेगा, या तो आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कॉस थीटा से डिवाइड कर दें, कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो यहाँ वन माइनस टेन थीटा बन जाएगा, यहाँ भी वन प्लस टेन थीटा बन जाएगा, या नहीं तो कॉस थीटा आप कॉमन लिए तो भी वही बन गया वन माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन थीटा, जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो। अभी आ गया टेन इनवर्स ब्रैकेट में वन माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन थीटा। वन को हम लोग लिख सकते हैं टेन पाई बाय फोर, टेन इनवर्स टेन पाई बाय फोर माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाय वन को रहने दिए वन प्लस, और टेन थीटा को हम लोग वन इंटू टेन थीटा समझ सकते हैं, वन को हम लोग बोल सकते हैं टेन पाई बाय फोर इंटू टेन थीटा। अब ये फॉर्मूला हो गया क्लास इलेवेंथ में ट्रिग्नोमेट्रिक में फॉर्मूला है टेन एक्स माइनस वाई का, टेन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला है टेन एक्स माइनस टेन वाई डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन एक्स इंटू टेन वाई। तो उस फॉर्मूला से इसको लिख सकते हैं टेन एक्स के जगह पर है पाई बाय फोर और माइनस वाई के जगह पर है थीटा। अब टेन इनवर्स टेन एक फंक्शन और उसी का इनवर्स, तो ये मिल गया आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। आइडेंटिटी ऑब्जेक्ट पर एड किया तो ऑब्जेक्ट को एज इट इज छोड़ दिया, ये हो गया पाई बाय फोर माइनस थीटा, और पाई बाय फोर माइनस थीटा, और थीटा का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग जब माने थे उसमें निकाल चुके हैं, थीटा का वैल्यू है हाफ कॉस इनवर्स एक्स, और यही है हमारा राइट हैंड साइड, यही हमको शो करना था, यही सिद्ध करना था। तो हेंस इस तरह से हमारा प्रूव्ड हो जाता है। और इस तरह से देखिए आप क्लास इलेवंथ की मदद से आप आसानी से चार मार्क्स कैसे आप पा सकते हैं, और ये क्वेश्चन भी सीबीएसई बोर्ड में बहुतों बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ओके बच्चों, आइए हम लोग फिर इसी एक्सरसाइज मिसलेनियस का ही हम लोग क्वेश्चन नंबर टेन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर इलेवन बनाए, क्वेश्चन नंबर टेन भी इसी से मिलता जुलता है, और इसी क्वेश्चन नंबर टेन को भी 2017 जैक बोर्ड में पूछा गया, लेकिन कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा गया, सी फोर कंपार्टमेंटल एग्जाम, ए फोर एनुअल एग्जाम, और इसको क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 चूंकि 4 मार्क्स का होता है तो देखिए कि कैसे हम लोग इसको क्वेश्चन नंबर 10 को मिसलेनियस एक्सरसाइज का बनाकर 4 मार्क्स प्राप्त करते हैं। यहां पर अगेन उसी प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड में है कॉट इनवर्स, रूट अंडर में है 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर में 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स, और इतना बराबर साबित हमको क्या करना है, एक्स बाई टू साबित करना है। तो बच्चों अगेन आइए यहाँ पर क्लास इलेवंथ ट्रिग्नोमेट्री शुरू को यूज कीजिए। वन को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और फिर हमारा इलेवंथ का फॉर्मूला है साइन टू थीटा का, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो उस फॉर्मूला से साइन एक्स को लिख सकते हैं टू कॉस एक्स बाई टू इंटू साइन एक्स बाई टू प्लस सेम प्लस रूट अंडर वन के बदले में कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस टू कॉस एक्स बाई टू इंटू साइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई सेम उसी प्रकार रूट अंडर कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और प्लस टू टाइम्स कॉस एक्स बाई टू इंटू साइन एक्स बाई टू माइनस रूट अंडर अगेन कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला टू कॉस एक्स बाई टू इंटू साइन एक्स बाई टू। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये क्लास एट्थ में ऑलरेडी फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अर्थात कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर अंडर रूट में, स्क्वायर और रूट उसके बाद क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि रूट का मतलब वन बाई टू और टू कैंसिल हो गया वन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर और अंडर रूट में, उसी पर डिनोमिनेटर में हो गया अंडर रूट कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, और नीचे में यहां पर माइनस साइन है तो माइनस अंडर रूट फिर कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ऊपर में आ गया कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, नीचे में कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस, देखिए यहां करना है माइनस और ब्रैकेट के अंदर में है कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, तो माइनस मल्टीप्लाई होने से कॉस एक्स बाई टू और माइनस माइनस प्लस साइन एक्स बाई टू, न्यूमरेटर में साइन एक्स बाई टू कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में आ जाएगा टू कॉस एक्स बाई टू, नीचे में कॉस एक्स बाई टू कैंसिल हो जाएगा, नीचे आ जाएगा टू साइन एक्स बाई टू, टू टू भी ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा कॉस एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई साइन एक्स बाई टू जो कि बन जाता है कॉट एक्स बाई टू, कॉट इनवर्स कॉट मिलकर ये आइडेंटिटी फंक्शन एक्स बाई टू पर एक्ट किया, एक्स बाई टू एज इट इज रह गया।
और यही राइट हैंड साइड है, हमको यही प्रूव करना है। बच्चों यहां ध्यान देने वाली बात क्या है कि जहां प्लस का फॉर्मूला उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, यहां फॉर्मूला में यदि आप चेंज करते हैं साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू को होल स्क्वायर लिखते हैं तो फर्क आ जाएगा। यहां पर आप साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू हो जाएगा आपका, तो उस केस में कॉस एक्स बाई टू आपका कैंसिल हो जाएगा और कॉस एक्स बाई टू कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर में साइन एक्स बाई टू छूट जाएगा और उसी प्रकार से नीचे में हमारा छूट जाएगा टू टाइम्स कॉस एक्स बाई टू, तब ये रिजल्ट आ जाएगा आपका टेन एक्स बाई टू और टेन एक्स बाई टू आ गया तो टेन को फिर क्वार्टर बदलने के लिए टेन पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू करना होगा। ये हो जाएगा टेन एक्स बाई टू और टेन एक्स बाई टू को कॉट में बदलने के लिए कॉट पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू, आपका आंसर हो जाएगा पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू। तो यदि उस तरह का प्रूफ करना हो पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू तब आप यहां पर ध्यान देंगे, यहां जो माइनस वाला फॉर्मूला है वहां पर कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू ना लिखकर साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर लिखेंगे ऊपर में भी और यहां नीचे में भी, तो आपको वहां पर प्रूफ हो जाएगा पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू। और यदि आपको केवल x बाई टू प्रूफ करना है तो आपको यहाँ यही cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर मानना होगा ताकि ऊपर में cos x बाई टू रहे नीचे में साइन एक्स बाई टू रहे, कैंसिल होने के बाद cot x बाई टू आ जाए और ये फाइनली x बाई टू आपको प्राप्त हो। तो आपको रिजल्ट क्या लाना है उस हिसाब से यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला में a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, या b माइनस ए का भी होल स्क्वायर वही होगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, वो सेम ही हो जाता है, लेकिन हम लोग जरूरत के हिसाब से जो प्रूफ करना है उसके हिसाब से यहाँ पर फॉर्मूला में हम लोग थोड़ा सा चेंजेज लाएंगे। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि कैसे आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के प्रॉपर्टीज को जान रहे हैं तो आप आसानी से प्रॉब्लम्स को एक्सरसाइज 2.2 ही को नहीं उसके मिसलेनियस एक्सरसाइज के भी सारे क्वेश्चंस को आप आसानी से बना सकते हैं। और बोर्ड एग्जाम में जैक बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड दोनों बोर्ड एग्जाम में इससे 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए बच्चों हम लोग कुछ और बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को बनाते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के प्रॉपर्टीज के मदद से। ओके आइए क्वेश्चन नंबर 12 2020 जैक बोर्ड में एनुअल एग्जाम में पूछा गया है, मतलब इसी साल पूछा गया है। प्रूफ क्या करना है, क्वेश्चन है टेन इनवर्स 2/3 और प्लस उसमें साइन इनवर्स 3/5 जोड़ दिया जाए तो आपको वैल्यू मिलेगा टेन इनवर्स 17/6, ये प्रूफ करना है। तो फॉर्मूला यूज करने के लिए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई हम लोग आज प्रॉपर्टी देखे हैं, जबकि ये साइन इनवर्स में है इसलिए साइन इनवर्स को हमको टेन इनवर्स में बदलना पड़ेगा। तो उसको बदलने के लिए हम छोटा सा बेसिक फॉर्मूला यूज करते हैं, प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू मान लेते हैं थीटा, दोनों तरफ साइन लगा दिए तो साइन थीटा बराबर हो गया हमारा 3/5। साइन थीटा का वैल्यू पता हो गया तो कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू 3/5 इसका स्क्वायर कर दिए तो 9/25 सॉल्व कर दिए 25 माइनस 9 हो गया 16/25 और 16/25 4/5 का स्क्वायर है इसलिए रूट से बाहर आ गया 4/5 आ गया कॉस थीटा का वैल्यू हो गया। साइन थीटा पता है कॉस थीटा पता है तो टेन थीटा बराबर क्लास टेन फॉर्मूला है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, साइन थीटा का वैल्यू लिख दिया 3/5 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा का वैल्यू लिख दिया 4/5 5/5 कैंसिल हो गया टेन थीटा का वैल्यू आ गया थीटा। तो ये जो थीटा जो दिया हुआ है साइन इनवर्स 3/5 थीटा साइन इनवर्स 3/5 उस थीटा को हम लोग यहां से लिख सकते हैं टेन इनवर्स 3/4 तो साइन इनवर्स 3/4 को रिप्लेस कर दिया गया, ये जो थीटा है यही थीटा हमारा क्या है थीटा को ही हम लोग माने हुए साइन इनवर्स इसको माने हुए हम लोग साइन इनवर्स 3/5 तो ये साइन इनवर्स 3/5 को रिप्लेस कर दिया टेन के टर्म में टेन इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं। तो आइए अब लेफ्ट हैंड साइड में टेन इनवर्स 2/3 एज इट इज लिख दिया गया, साइन इनवर्स 3/5 को रिप्लेस कर दिया हम लोग टेन इनवर्स 3/4 से, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का एक प्रॉपर्टीज हम लोग आज देखे हैं कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, एक्स के जगह पर है 2/3 वाई के जगह पर है 3/4। अब 3 और 4 का एलसीएम ले लीजिए 12, अब 12 में 3 से डिवाइड किया तो आया 4, 4 इंटू 2 कर दिए 8, फिर 12 को डिवाइड किया 4 से तो 4 3 जाए 12, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हो गया 9,
अगेन यहां पर 3 और 4 क्या एलसीएम हम लोग 12 रहने दिए, कैंसिल नहीं किया, एज इट इज रहने दिए। तो अगर हम लोग 12 रहने दिए तो 12 एलसीएम लिए तो 12 × 1 हो गया 12 और −2 × 3 = 6 डिवाइडेड बाई 12, दोनों का डिनोमिनेटर 12 होने की वजह से सेम वैल्यू होने की वजह से कैंसिल। 8 + 9 हो गया 17 और 12 − 6 हो गया 6 और आ गया आपका 10 inverse 17/6। और यही राइट हैंड साइड आपको प्रूफ करना है, मात्र बच्चों इतना ही बनाना है और 4 marks of 2020 जैक बोर्ड के एनुअल एग्जाम में आप आसानी से देखिए कितने आसानी से आप 4 marks प्राप्त कर सकते हैं, यदि आपको प्रॉपर्टीज याद है 10 inverse x + 10 inverse y का फॉर्मूला। आइए बच्चों हम लोग कुछ और क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में ही पूछा गया है, 2018 कंपार्टमेंटल एग्जाम है, जैक बोर्ड में पूछा गया। और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर यदि आपके पास होगा तो उसमें आप देखेंगे एग्जाम्पल 14 में इसको बताया गया है। इसमें प्रूफ करना है हमको cot inverse 7 + cot inverse 8 + cot inverse 18 = साबित करना है कि इनका वैल्यू cot inverse 3 के बराबर होगा। बच्चों बहुत से बुक में cot inverse x + cot inverse y का फॉर्मूला tan inverse x + tan inverse y के मदद से बनाया गया है, लेकिन चूंकि हम लोग आज उसको उस फॉर्मूला को देखे नहीं तो हम लोग उस प्रॉपर्टीज को यूज नहीं करेंगे, हम नया फॉर्मूला को हम लोग यूज नहीं करेंगे, हमें अपने ही प्रॉपर्टीज से बनाना है, पुराने फॉर्मूला से ही बनाना है, केवल कोई नया फॉर्मूला को यूज नहीं करना है। तो हम cot inverse को क्या करेंगे, tan inverse में कन्वर्ट कर देंगे। तो cot inverse 7 को लिख सकते हैं tan inverse 1/7, cot inverse 8 को लिख सकते हैं tan inverse 1/8 और +tan inverse 1/18 लिख दिए। अब cot inverse x + y tan inverse x + tan inverse y का फॉर्मूला इस्तेमाल किए, tan inverse x + y / 1 − x × y, x के जगह पर 1/7, y के जगह पर 1/8 और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है 1 − 1/7 × 1/8 ये हमारा ग्रेटर देन 1 है, ये 1 से बड़ा है, इसलिए फॉर्मूला यही रहेगा हमारा एज इट इज, सेम फॉर्मूला है। अब आइए 7 और 8 का एलसीएम ले लीजिए आप, 56 और 7 से 56 को डिवाइड कीजिए तो 7 8 जा, उस 8 को 1 में मल्टीप्लाई कर दिए 8, अब 8 से डिवाइड कीजिए 56 को तो 8 7 जा 56, 7 × 1 यहां 7 हो गया। नीचे उसी प्रकार से 7 और 8 का एलसीएम 56, 56 × 1 हो गया 56 और 1 × 1 यहां −1, यहां अगेन डिनोमिनेटर 56 tan inverse 1/8 उसमें एडिशन है उसको एज इट इज, तो tan inverse 8 + 7 हो गया 15 डिवाइडेड बाय 56 − 1 हो गया 55 = आ गया tan inverse 15 / 55 + tan inverse 1/18। इसको 5 से कैंसिल कीजिए, 5 × 3 = 15 और 5 × 11 = 55, तो पहला हो गया tan inverse 3/11 + tan inverse 1/18। अगेन सेम प्रॉपर्टी tan inverse x + tan inverse y का, tan inverse x + y / 1 − x y, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बार बार यूज हो रहा, बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो tan inverse 11 और 18 का एलसीएम 11 × 18 हम एज इट इज लिख दिए, अब 11 से डिवाइड किया तो 18 आया, 18 × 3 = 54 हो गया प्लस, अब 18 से 11 × 18 को डिवाइड किए तो आपको आ गया 11 × 1 हो गया 11 डिवाइडेड बाई, यहां भी 11 × 18 एलसीएम रहने दिए, 11 × 18 × 1 हो गया और −3, 11 × 18 डिनोमिनेटर में होने की वजह से कैंसिल, 54 + 11 जोड़ दिए तो ये हो गया 65, 11 × 18 को आप मल्टीप्लाई कर दिए 198 −3 तो ये आ गया 195, 65 × 3 = होता है 195, तो इसको लिख सकते हैं tan inverse 1/3 और इसी को हम लोग लिख सकते हैं फिर cot inverse 3 और यही है हमारा राइट हैंड साइड प्रूव करना है। और इस तरह से बच्चों बहुत ही आसानी से आप 4 marks 2018 कंपार्टमेंटल एग्जाम को बनाकर प्राप्त कर सकते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड्स में भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं। आइए बच्चों एक और आखिरी क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में ही 2019 जैक बोर्ड में कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा गया है इसको बनाते हैं। इसमें साबित करना है sin inverse 5/13 + cos inverse 3/5, एक साइन इनवर्स का वैल्यू है, कॉस इनवर्स का वैल्यू है, दोनों को जोड़कर दिखाना है tan inverse 63/16 होगा। तो ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं हमारे पास, कोई प्रॉपर्टी है नहीं, तो हम दोनों को tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे और जैसे ही tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ऑलरेडी प्रॉपर्टी है tan inverse x + tan inverse y का और हमारा आंसर प्राप्त होगा। तो चलिए पहला हम लोग साइन इनवर्स 5/13 को मान लेते हैं थीटा
और दूसरा कॉस इनवर्स 3 बाय 5 को मान लेते हैं 5, साइन इनवर्स 5 बाय 13 को माने थीटा, तो इससे हमको प्राप्त हुआ साइन थीटा इज इक्वल टू 5 बाय 13। इससे कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, रूट अंडर 1 माइनस 5 बाय 13 का स्क्वायर हो गया 25 बाय 169, 169 में से 25 माइनस हुआ तो 144 डिवाइडेड बाय 169, 144 12 का स्क्वायर है, 169 13 का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से बाहर आने पर ये आ गया 12 बाय 13, ये हो गया कॉस थीटा का वैल्यू। तो टेन थीटा का वैल्यू होगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, साइन थीटा का वैल्यू हो गया 5 बाय 13, कॉस थीटा का वैल्यू हो गया 12 बाय 13, 13 13 कैंसिल हो गया 5 बाय 12 टेन थीटा का वैल्यू। तो यहां से थीटा का वैल्यू, थीटा जिसको कि साइन इनवर्स 5 बाय 13 बोल रहे हैं, इस थीटा को हम लोग टेन के टर्म में यदि लिखेंगे तो टेन इनवर्स 5 बाय 12 आ गया। उसी प्रकार से बच्चों कॉस इनवर्स 3 बाय 5 को 5 माने, इससे हमको प्राप्त हुआ कॉस 5 इज इक्वल टू 3 बाय 5। तो साइन फाइव निकाले अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर 5, तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस 5 का वैल्यू हो गया 3 बाय 5 का स्क्वायर कर दिए तो 9 बाय 25, 25 माइनस 9 हो गया 16 बाय 25, 16 है 4 का स्क्वायर, 25 है 5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट से बाहर आने पर ये हो गया 4 बाय 5। तो टेन 5 का फॉर्मूला अगेन हो गया साइन 5 बाय कॉस 5, साइन 5 का वैल्यू अभी हम निकाले 4 बाय 5 डिवाइडेड बाय कॉस 5 का वैल्यू गिवन है 3 बाय 5, 5 5 कैंसिल हो गया 4 बाय 3। तो बच्चों 5 जिसको कि हम कॉस इनवर्स 3 बाय 5 माने, उसका वैल्यू 10 के टर्म में हो गया 10 इनवर्स 4 बाय 3। अब इस वैल्यू को और पहला वाला जो वैल्यू है थीटा, थीटा का मतलब साइन इनवर्स 5 बाय 13 का वैल्यू हम लोग 10 इनवर्स 5 बाय 12 लिखेंगे, और कॉस इनवर्स 3 बाय 5 जो कि 5 है, और 5 को हम लोग 10 इनवर्स 4 बाय 3 लिखेंगे। अब आइए हमारा एलएचएस में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हो गया साइन इनवर्स 5 बाय 13 को 10 के टर्म में लिख दिया 10 इनवर्स 5 बाय 12, कॉस इनवर्स 3 बाय 5 को लिख दिए प्लस 10 इनवर्स 4 बाय 3। अब प्रॉपर्टी है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई, एक्स के जगह पर है 5 बाय 12 और वाई के जगह पर है 4 बाय 3। और आप देख सकते हैं कि 1 माइनस एक्स वाई जो प्राप्त हो रहा है ये क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। तो फॉर्मूला हमारा यही है, कोई चेंज नहीं होगा। अब 12 और 3 का एलसीएम हो गया 12, 12 को 12 से डिवाइड किया 1 तो 1 इंटू 5 हो गया 5, 12 को 3 से डिवाइड किया तो 3 4 जा 12, 4 इंटू 4 हो गया 16 डिवाइडेड बाई, अब यहां पर आप क्या किए, यहां पर 4 से आप 12 को कैंसिल कर दिए, 4 से 12 को कैंसिल किया तो 3 जा हो गया, 3 इंटू 3 हो गया 9 एलसीएम, 9 इंटू 1 हो गया 9 और माइनस 5 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू आ गया 10 इनवर्स 5 प्लस 16 हो गया 21 डिवाइडेड बाई 12 इंटू, अब ऊपर हो गया ये 9 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 5 हो गया 4, 12 और 9 को आप कैंसिल कीजिए 3 से, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, अब आ गया 21 इंटू 3 63, तो 10 इनवर्स 63 और 4 4 जा 16। और यही हमारा राइट हैंड साइड हमको लाना है बच्चों, यही प्रूफ करना है और इस तरह से रिजल्ट मैंने हेंस प्रूफ। तो आप देखते हैं बच्चों कि कितना आसानी से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के प्रॉपर्टीज को यूज कर हर एक तरह के ना केवल जैक बोर्ड सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चंस को भी आप आसानी से बना सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से आप एक्सरसाइज 2.2 और उसके मिसलेनियस क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। इसके बावजूद आपको कोई डाउट्स रहता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आपके जब भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। ओके, थैंक यू बच्चों।